गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसका लास्ट टॉपिक अपने हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, कई टाइप की रिएक्शन हो रही थी, कई टाइप के बीच में इंटरमीडिएट्स बन रहे थे। अब हम कैसे पता करेंगे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो किस तरीके की होगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमिनेशन के कुछ मेथड हैं। पहला मेथड है इसमें प्रोडक्ट आइसोलेशन। प्रोडक्ट एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है दो डिफरेंट रिएक्टेंट लिए, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है, अगर दोनों से प्रोडक्ट सिमिलर बन रहा है, प्रोडक्ट सिमिलर बन रहा है मींस दोनों का इंटरमीडिएट क्या होगा, सिमिलर होगा, और दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 1-chloro-3-methyl-2-butyl, ठीक है, CH3, CH और CH2, 1-chloro-3-methyl-2-butyl। अब एक और रिएक्टेंट लिया 3-chloro-3-methyl-1-butyl, 3-chloro-3-methyl-1-butyl। अब इन दोनों से ही दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा टर्शियरी अल्कोहल, एक होगा 1-degree अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल है वो 85% होगा, टोटल प्रोडक्ट है उसका 85% टर्शियरी अल्कोहल होगा और 15% होगा प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो टर्शियरी अल्कोहल की स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी, इसमें CH3, OH, CH double bond, CH2, एक होता है इसमें प्राइमरी अल्कोहल CH3, C, CH3 double bond, CH, CH2, OH, ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर से होगी नंबरिंग क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो 2-methyl-butyl, 1-2-3-ene-2-ol, ठीक है, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड से पहले, तो 1-2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में आएगा, फिर यहाँ पे 3 पोजीशन पे एन है यहाँ पे और 2 पोजीशन पे ओल। इसमें भी इसमें देखो नंबरिंग इधर से करेंगे 1-2-3-4, इसका हो जाएगा 3-methyl-butyl-2-ene-1-ol। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है वो बनता है 15% और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो बन रहा है 85%। दोनों के हाइड्रोलिसिस से बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों में ही प्रोडक्ट एक जैसा बन रहा है, दोनों में प्रोडक्ट एक जैसा बन रहा है, यानी दोनों के इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे। अब देखो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है, SN1 रिएक्शन होने पे इसमें Cl- माइनस अगर यहाँ से हटेगा, Cl हटेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसका कार्बोकेटायन क्या होगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज और ये CH double bond CH, ये कार्बोकेटायन बन रहा है, इस पे अगर OH माइनस अटैक करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि टर्शियरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 कार्बन से आगे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अगर ये Cl माइनस हटेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो क्या बन बनेगा ये CH3 double bond CH CH2 plus, ठीक है, ये है 1-degree कार्बोकेटायन और ये होगा कौन सा 3-degree कार्बोकेटायन, 3-degree कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसमें देखो 1-degree बन रहा है
इसमें 3 डिग्री बनता है, लेकिन ये दोनों कार्बोकैटायन है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे रेजोनेंस से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया, मीन्स ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में। और ये 3 डिग्री है इसका भी कुछ अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री में, लेकिन कम अमाउंट कन्वर्ट हो पाएगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में प्रोडक्ट है वो सिमिलर बन रहे हैं, मीन्स दोनों के इंटरमीडिएट क्या होंगे यहाँ पे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लिया अपने, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। किटोक्सिन ठीक है, ये एक आर है और दूसरा आर डैश। किटोक्सिन यानी एल्डिहाइड और जो किटोन्स हैं, ये देखो ऑक्सिन्स क्या होते हैं, ये किटोन है, इनकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। किटोक्सिन यानी किटोन के साथ में, एल्डोक्सिन यानी एल्डिहाइड के साथ में, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होगी तो H2 यहाँ से हट जाएगा, H2 हटा तो R C R है और डबल बॉन्ड NH, इसी को अपन क्या कहेंगे, किटोक्सिन। ठीक है, अब इस किटोक्सिन की रिएक्शन जब PCl5 या SOCl, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। SOCl2 के साथ में होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, डबल बॉन्ड O NH R डैश। अब यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे R ग्रुप है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, या फिर यहाँ पे R डैश है वो सब्स्टिट्यूट होगा, ये किस तरीके से डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, दो आइसोमर्स यानी R C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म में देखा गया कि कौन सा ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट होगा जो OH ग्रुप के नियरेस्ट होगा, सेम पोजीशन पे होगा, उस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो OH ये सेम पोजीशन पे R डैश है तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O N H R डैश। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा और कौन सा ग्रुप इसमें रिप्लेस होगा यहाँ पे, जो OH के सिम पोजीशन यानी OH के नजदीक वाला जो ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो अपन प्रोडक्ट देख के भी रिएक्टेंट का पता लगा सकते हैं, भाई जो R डैश ग्रुप यहाँ आया यानी R डैश ग्रुप है वो रिएक्टेंट में अपने कहाँ होगा, यहाँ पे OH है उसके पास वाले पोजिशन पे। तो ये अपना फर्स्ट मेथड हो जाते हैं कि प्रोडक्ट का आइसोलेशन करके भी अपन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखो, इंटरमीडिएट यानी बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट की पहचान करके भी हम रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहला हो सकता है कि आइसोलेशन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं और उनको आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, जिस तरीके से ये जो हॉफमैन ब्रोमेलाइड रिएक्शन है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ में करवाते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमैन
क्रोमेमाइट। अब ये जो रिएक्शन है इसमें तीन इंटरमीडिएट्स हैं वो आइसोलेट किए गए। एक बना था इसमें आर सी ओ एन एच बी आर, ये बना। एक इसका एनायन है उसको सेपरेट किया गया एन माइनस और बी आर, ठीक है। और एक इसमें जो आइसोसाइनेट है उसको पृथक किया, ठीक है। तो ये तीन अगर इंटरमीडिएट पृथक करने में आ रहे हैं तो इससे हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। किस तरीके से, देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी। आर सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू, सबसे पहले रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी, तो एक एच बी आर है वो निकल जाएगा और एच की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ बी आर, तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड हो एन एच बी। अब इसकी रिएक्शन होगी बेस के साथ में, तो ये OH माइनस क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन बी आर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से बी आर माइनस है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन बढ़ा था पहले इंटरमीडिएट्स में, ये नाइट्रीन बना। अब आइसोसाइनेट कब बनेगा, जब नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होगा, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और ये आर है उसकी शिफ्टिंग इस साइड में हो जाएगी, तो आर एन डबल बॉन्ड आर यहाँ चला गया, इसने एन के साथ बॉन्ड बनाया, एन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो गया। और इस आइसोसाइनेट का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के अगर इंटरमीडिएट्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, तो इंटरमीडिएट से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला हो गया इसका आइसोलेशन, सेकेंड हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स को अपन देख सकते हैं, जिस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो नाइट्रेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें नाइट्रेशन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी फर्स्ट ईयर में आपके आया नहीं है, आगे की क्लासेज में पढ़ोगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन का मेथड होता है, ठीक है। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, काफी वाइड है, इसमें आगे की क्लासेज में आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो एरोमेटिक जिस तरीके से बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो वहां पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या डिटरमाइन किया गया कि NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इसी से ही रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट में तीसरा हो सकता है ट्रिपिंग, जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करवा के उसको क्या कर लिया जाए ट्रिप कर लिया जाए, ए हो गया आइसोलेशन, बी था स्पेक्ट्रोस्कोपी और सी क्या हो गया ट्रिपिंग, ठीक है। जैसे डाइजोमिथेन है इसको जब हीट करते हैं तब क्या बनता है कार्बिन, ठीक है। अब ये कार्बिन बन रहा है ये कैसे पता करेंगे, अगर इसकी रिएक्शन है वो प्रोपीन के साथ करा दीजिए, तो ये जो कार्बिन है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी और साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना था वो क्या बना था कार्बिन बना, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, देखो इस कंपाउंड की जब हीट करते हैं तो CO2 नाइट्रोजन बाहर निकलेगी और यहाँ में इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेंजाइन, बेंजाइन को ट्रैप करने के लिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एंथ्रेसीन के साथ में, इसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इसके चार पाई इलेक्ट्रॉन और इसके दो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर
जिप्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जिप्सिन अगर बन रहा है तो उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ पे बेंजाइन बन रहा है। अब इसमें देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्कीन की रिएक्शन, सिंपल इथिलीन लिया है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएंगे, तो CH2 प्लस CH2 Br। ठीक है, अब आगे इसकी रिएक्शन, इसमें Br- तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, Br- तो प्रेजेंट है क्योंकि Br+ है वो इसके साथ में अटैच हो गया। और अगर इस सॉल्यूशन में अगर अपन NaCl डाले, तो NaCl डाला तो Br- है और Cl- भी प्रेजेंट होगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH2, ये Br भी हो सकता है और ये है वो Cl भी हो सकता है, ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। देखो अब ये दोनों प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में यहाँ पे बनेंगे इससे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जब ब्रेक हुआ तो एक बना था इसमें Br+ और दूसरा Br-, तो इससे पता कर सकते हैं कि Br+ है वो पहले ऐड हुआ, Br+ पहले ऐड हो गया तभी ये कार्बोकैटायन बना यहाँ। ठीक है, तो Br+ यहाँ ऐड हो गया तो बचा हुआ क्या था यहाँ पे Br-। अगर यहाँ पे बचा हुआ Br+ होगा, अगर प्लस स्पीसी जुड़ने वाली होती तो ये NaCl वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो क्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है इससे क्या प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि इस रिएक्शन में पहले Br+ जुड़ा था, फिर उसके बाद में Br- यहाँ पे जुड़ा। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए अपने, फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट आइसोलेशन, प्रोडक्ट को सेपरेट करके, और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में तीन टॉपिक पढ़े अपने, एक तो इंटरमीडिएट को ही आइसोलेट कर लिया, दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इंटरमीडिएट के बारे में पता कर लिया, और तीसरा है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा के और उसको अपन ट्रैक कर लेते हैं, तो इससे रिएक्शन मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दो मेथड और हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।